पहले तो मतलब अनंत सिंह को आप लोगों ने न्योता कैसे दे दिया था आने के, फिर लवली अनंत जी आ गई, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए कांग्रेस लगातार, तारातारी में लग रहा है जैसे कि पूरे बिहार के जितने भी नेता हैं जो अपनी पार्टी से खफा चल रहे हैं वो कांग्रेस में ही सीधा घर वापसी कर रहे हैं। मगर अभी तक किसी को भी आपने ये इशारा नहीं किया है कि आपको चुनाव लड़ाएंगे, मगर तैयारी सभी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, ऐसे में लगता देखिए, नहीं है। मेरे मेरे यहाँ एक सिस्टम है, जी और हम समझते हैं जो आपको पहले भी पूर्व में भी हम बताए हैं, जी जो हमारे यहाँ सिस्टम है, जो यहाँ जो लोग चाहते हैं आना हम्म, उनको अगर वो कोई सम्मानित पद पर हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं या और कोई सम्मानित पद पर हैं, तो उनकी स्वीकृति आलाकमान देती है आने का। जी तो जिनकी स्वीकृति मिलती है वो पार्टी में आ जाते हैं। तो लेकिन जो भी आदमी मेरे यहाँ आए हैं अभी तक पार्टी में, सब कोई शर्त पर नहीं आए हैं। मतलब अगर टिकट आप न मिले तो वो लोग निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, ये आप दावा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने अपने मीटिंग में साफ चुनाव शब्दों में कहा है, जो लोग मेरे दल में आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए, मेरा मतलब वो दल में लड़े। आलाकमान से कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो सर एक चुनाव सवाल इस पे लड़ने का। उठता है कि मतलब ये चुनाव से पहले क्यों नहीं इन लोगों ने ज्वाइन किया कांग्रेस को, चुनाव के एंड पर पहले ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं तो चुनाव के टाइम में पहले ही से बहुत लोगों की बात चल रही थी। जी आप जिनका जिनके बारे में आप मैंने आपका इशारा है, जी सब लोगों का पहले, किसी का 3 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 6 महीना से बात चल रहा था। बात हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।